अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़म बशीर एक नई वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर, शोएब मलिक। शोएब मलिक ने जिंदगी में कई हटरकें लगाई हैं, लेकिन आज शोएब मलिक ने अपनी जिंदगी में नई जिंदगी का आगाज किया है। वो ये किया कि शोएब मलिक ने शादी सना जावेद से कर ली है। हालांकि इस वक्त जो सोशल मीडिया पर है वो काफी तनकीद का सामना करना पड़ा है शोएब मलिक। शोएब मलिक ने जो पहली शादी की थी वो 2002 में की थी आयशा सिद्दीका से, और जो दूसरी शादी शोएब मलिक ने की थी वो 2010 में की थी, जो की थी सानिया मिर्जा से। तीसरी शादी ही अभी की है शोएब मलिक ने, वो की है सना जावेद से। अगर नजर डालें शोएब मलिक की जो पहली शादी थी जो 2002 में की थी शोएब मलिक ने, वो इतनी इनके किसी को मालूम नहीं था ये शादी हुई है या नहीं हुई। लेकिन एक केस भी अगेंस्ट शोएब मलिक दायर किया था लड़की ने, आयशा सिद्दीकी ने। महासिद्दीकी भी कहा जाता है, प्रोफेशन के लिहाज से टीचर। 2010 में जब शोएब मलिक ने दूसरी शादी की, कुछ लोग कह रहे थे ये पहली है, कुछ कह रहे थे दूसरी है, जो की थी इंडिया से और एक मशहूर स्टार सानिया मिर्जा से की थी। और लग रहा था की जितनी प्यार मोहब्बत से ये शादी की रही है ये जन्म जन्म जारी रहेगी। लेकिन महज 14 साल बाद शोएब मलिक सानिया मिर्जा, एक ट्वीट आया था शोएब मलिक के वालिद का के सानिया मिर्जा ने खुला कर दिया है। दोनों काफी अमीर थे, बात की जाए इनकी माल और दौलत की, दोनों घराने जो थे वो अरबपति थे। शोएब मलिक क्रिकेट स्टार थे जबकि सानिया मिर्जा टेनिस स्टार थी। तो जो तीसरी शादी शोएब मलिक ने की वो की सना जावेद से। सना जावेद की अगर बात करें तो सना जावेद की भी अपनी जिंदगी की ये दूसरी इनिंग। शोएब मलिक सना जावेद पहली शादी सना जावेद ने की थी वो 2020 में की उमेश रवाल से, लेकिन महज 3 साल उनका रिश्ता कायम रहा। और 2023 में सना जावेद ने मेयर को तलाक दी, और 2024 में सना जावेद ने शोएब मलिक से शादी कर ली। हर इंसान की अपनी राय है, लेकिन शोएब मलिक की पर्सनल जिंदगी है, चाहे वो 3 शादियां करें या 4 करें। लेकिन जो इसमें सबसे दुख वाली बात वही है कि जब 2010 शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की जब शादी हुई, सानिया मिर्जा को पूरे इंडिया में काफी तनकीद का सामना करना पड़ा, क्योंकि टेनिस स्टार थी इंडिया की, ऐसे मुल्क की जिसकी आबादी 1 अरब से ज्यादा, जहाँ पे मुसलमानों की अकलियत थी जबकि हिंदुओं की अक्सरियत थी। लेकिन इन सब बातों को अलग रखते हुए, इन बातों को सामने न लाते हुए, जब फैसला किया सानिया मिर्जा ने मोहब्बत में आकर शोएब मलिक से शादी की, तो लग रहा था कि ये शादी पूरी जिंदगी कायम रहेगी। लेकिन 14 साल बाद शोएब मलिक ने ऑफिशियली डिवोर्स दे दिया है सानिया मिर्जा को। लेकिन जो इस वक्त बातें जन्म ले रही हैं वो ये ले रही हैं कि शोएब मलिक ने शादी की है वो भी एक डिवोर्स पतीन से की है, ये सना जावेद से। तो सना जावेद की भी शादी को 3 साल हो चुके थे, 2020 में हुई थी उमेर जसरवाल से, लेकिन सना जावेद ने तलाक ली। एक मॉर्निंग शो में इकट्ठे काम करते थे शोएब मलिक और सना जावेद, और 2024 में अचानक हमने जो खबरें सुनी वो क्या सुनी। लेकिन इसमें मुख्तलिफ अभी अफवाहें आ रही हैं मीडिया पे, कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉर्निंग शो में शोएब मलिक जाता था तो पहले कहता था अगर सना जावेद आएगी तो मॉर्निंग शो में आऊंगा, वरना मैं मॉर्निंग शो में नहीं आऊंगा। हर इंसान की अपनी राय, मेरी राय के मुताबिक बिल्कुल भी अच्छा फैसला नहीं था शोएब मलिक का, क्योंकि जब इतने बड़े मुल्क वाले, इतने बड़े मुल्क में जहाँ पे अक्सरियत थी हिंदुओं की, लेकिन उसके बावजूद सबको रद्द करते हुए सानिया मिर्जा ने फैसला किया था मैं शोएब मलिक से शादी करूंगी, लेकिन इसके बावजूद ये शादी सिर्फ 14 साल तक रही। और 2024 में शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को तलाक देकर अपनी जिंदगी में तीसरी शादी की। शोएब मलिक ने अपनी जो करियर में क्रिकेटर थे कई हैट्रिकें लगाई हैं, लेकिन ये जो शादी की हैट्रिक लगाई इससे हालांकि काफ़ी दुख हुआ सानिया मिर्जा को। सानिया मिर्जा का रद्द अमल इतना पुरतशद्दद नहीं था कि सिर्फ उनके वालिद का एक ट्वीट था कि सानिया मिर्जा ने खुला का केस अगेंस्ट शोएब मलिक कर दिए। तो नाज़रीन आपको ये बताएं कि अगर बात करें सानिया मिर्जा की, शोएब मलिक की, सना जावेद की, तो ये शोएब मलिक की ये तीसरी शादी थी। पहली शादी शोएब मलिक ने 2002 में की थी आयशा सिद्दीकी एक लड़की थी, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि ये शादी हुई है या नहीं हुई। लेकिन जो दूसरी शादी 2010 में की थी वो की थी सानिया मिर्जा से, और जो तीसरी और आखिरी शादी 2024 में की शोएब मलिक ने वो की सना जावेद से। तो काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है, हर इंसान की अपनी राय है। पाकिस्तान से भी लोग कह रहे हैं कि यह गलत हुआ, इंडिया से भी कह रहे हैं गलत हुआ, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है क्या यह सही हुआ या गलत हुआ। मेरे नज़रिए के मुताबिक ये शादी कतन शोएब मलिक को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब 2010 में मर्जी से शादी हुई तो इस बारे में मुख्तलिफ सोशल मीडिया का क्या राय थी। आसिफ जट के एक वीडियो आई थी 3-4 दिन पहले कि जो शोएब मलिक ने गलत किया जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, शोएब मलिक को ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन चंद घंटों बाद जो नेक्स्ट वीडियो थी आसिफ जट की, उसमें ये कहा गया कि जी जो शोएब मलिक के घर वालों की अप्रोच में जो हुई, उन्होंने ये बताया कि शादी के बाद जो ज़िंदगी थी वो सानिया मिर्जा बिल्कुल अपने मुताबिक गुजार रही थी, वो छोटे कपड़े पहनती थी, वो अभी भी उनका जो मिल मिलाप हो रहा था वो अपने इनके दोस्तों के साथ हो रहा था, जो शोएब मलिक को बिल्कुल पसंद नहीं था। काफ़ी बार शोएब मलिक ने मना किया, लेकिन उसके बावजूद सानिया मिर्जा का ये कहना था ये मेरी अपनी ज़िंदगी और मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारूंगी। लेकिन हर इंसान की अपनी राय है,
मेरी राय के मुताबिक ये बिल्कुल गलत हुआ। तो गाइस आपने बताना है कि आज शुएब मलिक ने सही किया या गलत किया। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला भी वो यही है कि तीसरी शादी तो कर ली शुएब मलिक ने, लेकिन उनका जो बच्चा है अजान शुएब, क्या उसका कैरियर कैसा होगा, बगैर बाप के वो गुजारेगा। तो गुज़िश्ता रोज दो तीन दिन पहले खबरें कुछ आ रही थी कि टेस्ट प्रीमियर लीग में शुएब मलिक खेल रहे थे, अचानक वो अपना मैच छोड़ के दुबई रवाना हुए, जहाँ से उन्होंने सानिया मिर्ज़ा से मुलाकात की है। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है क्या शुएब मलिक ने गलत किया, क्या जो है सना जावेद जिन्होंने अपनी दूसरी शादी की 2020 में, उन्होंने उमेर से शादी की थी और 2023 में तलाक दी थी और 2024 में उन्होंने दोबारा शुएब मलिक से शादी की है। तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है क्या सही हुआ क्या।